नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर में भी होने वाला है सेमेस्टर, इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डाल दिया था। ध्यान रखिए, सेकेंड ईयर में सेमेस्टर होने वाला है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में कटिंग देखने को मिल रही है जिसमें कहा गया है सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 12 की जगह 6 पेपर। क्या है मामला, कौन सी यूनिवर्सिटी का यह मामला होने वाला है, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज चल रहे हैं। हालांकि पूरी न्यूज वो पढ़ते नहीं है, पूरा डिस्क्रिप्शन में तरीके से डिटेल्स वाइज समझा दिया जाता है ध्यान रखें न्यूज़पेपर में, लेकिन फिर भी काफी कंफ्यूजन बना रहता है। आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ में बात करने वाला हूं। सारी यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल करूंगा कि कौन कौन से विद्यार्थी कहां कहां कंफ्यूज हो रहे हैं और अब आवश्यकता नहीं है कंफ्यूज होने की। बात करते हैं, यह नोटिस होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं, MGSU बीकानेर, देखो भैया ये बात क्यों आई, 12 की जगह 6 पेपर, यह है बात क्यों आई, सवाल निकल के आता है ऐसा क्यों है। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं, मत्स्य की बात करूं, शेखावटी की बात करूं या फिर और भी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो फर्स्ट सेमेस्टर, देखो भैया क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर। ईयरली वाले विद्यार्थी ना तो वीडियो देखेंगे ना ही कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखें सेमेस्टर लिखा है, केवल सेमेस्टर के विद्यार्थियों की यहाँ पे बात हो रही है, उनसे रिलेटेड वीडियो होने वाला है। ईयरली वाले बीच में अगर परेशान होंगे तो भैया आपकी गलती है, ध्यान रखें। बात आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जब पेपर दिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, तो आपके जो सब्जेक्ट थे उनका एक एक पेपर लगा था, ध्यान रखें, समझिए पूरी चीज को। राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर में था पॉलिटिकल का, एक सेमेस्टर में एक पेपर उसने दिया, लेकिन MGSU बीकानेर में ऐसा नहीं था, ये ध्यान रखें। वहां सिलेबस में पॉलिटिकल के भी दो पेपर दे, एक सेमेस्टर में दो दो पेपर लगवा दिए इनसे, ध्यान रखें। MGSU बीकानेर की बात हो रही है, जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में एक ही पेपर था, यहां पर दो दो पेपर देखने को मिले। राजस्थान यूनिवर्सिटी और बाकी सभी यूनिवर्सिटी को देखते हुए जो यहाँ पे बीकानेर यूनिवर्सिटी है, इनके विद्यार्थियों को भी लगा, ध्यान रखें, कि हमारा भी बाकी यूनिवर्सिटी की तरह होना चाहिए। काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कि हमारा भी एक ही पेपर होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी ने अब बदलाव की तैयारी कर ली है। अब ध्यान रखो, सेकेंड ईयर क्यों लिखा गया है भैया, अगले साल, ध्यान रखो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी सेकंड सेमेस्टर आप देंगे, ध्यान रखें, थोड़े समय बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्जाम डेट्स वगैरह की, मई जून में, ध्यान रखें। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, ध्यान रखें, अगला साल जो होने वाला है, यानी कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर से जाने वाले हैं, तब आपको यूनिवर्सिटी बदलाव कर रही है आपके पैटर्न में, ध्यान रखें। जहां पर आपने एक्स्ट्रा पेपर दिए, ध्यान रखें, आने वाले समय में सेकेंड ईयर में अगर मान लो किसी के पास पॉलिटिकल है तो उसका एक ही लगेगा, किसी के पास हिस्ट्री है तो एक ही लगेगा, ज्योग्राफी है तो एक ही लगेगा, ऐसे सभी सब्जेक्ट ध्यान रखें एक ही पेपर देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, ध्यान रखें, केवल सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए अपडेट है, बीकानेर यूनिवर्सिटी की अपडेट है, क्योंकि बाकी सभी यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट का एक एक पेपर ही लगा था, ध्यान रखें। सेमेस्टर की बात हो रही है, ईयरली वाले कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ईयरली में दो लगते हैं, ध्यान रखें, वो ईयर पे होता है, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर में एक, सेमेस्टर में एक एक पेपर लगा, यहाँ पर दो पेपर लगे। अब यूनिवर्सिटी अपने पैटर्न बदल रही है, ध्यान रखें, आने वाले समय में, अभी मीटिंग हो रही है और बिल्कुल फैसला ले लिया गया, आने वाले समय में उसको बदल दिया जाएगा जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे। अब सेकंड ईयर में कौन जाएगा, ये सेमेस्टर जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया, सेकंड सेमेस्टर देंगे, फिर वो थर्ड सेमेस्टर देंगे, तो सेकंड ईयर में हो जाएंगे, ध्यान रखें। अब उनके जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, उनके एग्जाम होंगे, यानी कि सेकंड ईयर में हो जाएंगे, तब आपके एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट है, ध्यान रखें, यहाँ पे MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी को लेकर लगभग 1,00,000 विद्यार्थियों के यहाँ पर एग्जाम खत्म हो चुकी है MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी की। आने वाले समय में बीकानेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी चैनल पर देखने को मिलेगी, बाकी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जितने भी सवाल है अन्य यूनिवर्सिटी के जो भी अभी चल रहे हैं कुछ पिछले कुछ दिनों में, ध्यान रखें, टाइम टेबल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाए। इस वीक ही आपको सभी यूनिवर्सिटी के वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहले भी थोड़े से दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें काफी यूनिवर्सिटी को शामिल करके एग्जाम डेट्स वगैरह बताई थी, ठीक इस प्रकार ही इस वीक भी आपको एक वीडियो ऐसा मिलने वाला है जिसमें सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम डेट्स को लेकर फिर से बात हम करेंगे, कौन से एग्जाम डेट्स कब क्या रहने वाली है। तो ध्यान रहे, चैनल पर बने रहेंगे, अपने सवाल जो है ध्यान रखें इंस्टाग्राम के माध्यम से करेंगे, पहले फॉलो करना इंस्टाग्राम आईडी को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे ध्यान रखें इंस्टाग्राम को। दूसरा, बात करूं सवाल जब अपना लिखेंगे, एक बार में अपना सवाल लिखेंगे 24 घंटे के अंदर आपको सवाल का जवाब देखने को मिलेगा, कन्फर्म वादा है ध्यान रखें सवाल का जवाब देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपने चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, आने वाले समय में सभी अपडेट्स चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी।
जिन यूनिवर्सिटी के वीडियो पिछले कुछ दिनों में डले हुए उनको देख लेंगे ध्यान रखे, जिनका नहीं डला है वो सवाल कर देंगे ध्यान रखे वीडियो पर, फिर आने वाले समय में इस वीक ही आपको इसके वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी का जो वीडियो था ध्यान रखे बीकानेर यूनिवर्सिटी को लेकर था, क्योंकि यहां पर पैटर्न अलग था बाकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सेमेस्टर का भी पैटर्न यहां पर अलग था ध्यान रखे। केवल सेमेस्टर के विद्यार्थियों की बात हुई है, ईयरली विद्यार्थियों की बात नहीं हुई है। तो ईयरली वाले विद्यार्थी किसी भी क्लास से हो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।